वैश्य समाज का योगदान हमारे भारतीय समाज में अभिन्न रहा। वैश्य समाज को लक्ष्मी पुत्र कहा जाता है। माता लक्ष्मी वैश्य समाज की कुल देवी मानी जाती है, तो वही भगवान विष्णु को परमपिता कहा जाता है। यानी हमारी धार्मिक मान्यताओं में वैश्य समाज विशेष रूप से संपन्न रहा है। आज भी भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ को मजबूत करने में वैश्य समाज का विशेष योगदान है। कुछ इन्हीं उद्देश्यों को लेकर जम्मू के कटरा में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्याम जाजू जी, यूपी इकाई के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नीरज बोरा, जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता के साथ साथ अभिमन्यु गुप्ता, टटीरी जितेंद्र रस्तोगी, अशोक गर्ग संस्था के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता गौरव जी और उत्तर प्रदेश महासचिव अजय गुप्ता, बुलंदशहर से मंजू गुप्ता और एग्जीक्यूटिव मेंबर राष्ट्रीय प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश अशोक अग्रवाल सहित तमाम जानी मानी हस्तियों ने इस महासम्मेलन में शिरकत की। कार्यक्रम का सशक्त संचालन डॉक्टर अजय गुप्ता ने किया। जम्मू कश्मीर के कटरा में आयोजित वैश्य समाज की शीर्ष संस्था अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक में विधायक और संगठन की यूपी इकाई के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर बोरा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। इस दौरान समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए वरिष्ठ नेता श्याम जाजू, लेखराज माहेश्वरी, दिल्ली के सुभाष गुप्ता, कानपुर के उमा शंकर गुप्ता, फरुखाबाद के एसपी अग्रवाल, बागपत के अभिमन्यु गुप्ता को रामदास जनसेवा सम्मान प्रदान किया गया। आपको यह भी बता दें कि सम्मेलन में सभी ने यह संकल्प लिया कि वैश्य समाज पूरे भारत में भाजपा का समर्थन करेगा और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में बढ़ चढ़कर अपना अहम योगदान देगा। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन से आप जुड़े हुए हैं, किस तरीके से आपकी क्या कार्य योजना है और कैसे बढ़ा रहे हैं इस संस्था को आगे? अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन, इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन, ये संस्था स्वर्गीय रामदास अग्रवाल जी ने स्थापित की। पूरे देश में इसका नेटवर्क बढ़ाया और पूरे विश्व में भी इसके फॉलोअर्स हैं, इसके हितचिंतक हैं। उनके नेतृत्व में जो काम शुरू हुआ था वही अशोक अग्रवाल जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। और इस वक्त मैं हूँ अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन में, जहाँ पर जम्मू के पूर्व सीएम कविंद्र जी हमारे साथ हैं। देखिए, इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन की तरफ से समाज कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए हमेशा काम करते आए हैं। तो मुझे लगता है कि अशोक अग्रवाल जी के जो हमारे अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में पूरी टीम उनके साथ आज भी प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी है। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि इस देश के निर्माण में जिस प्रकार से भामाशाह वगैरह लोगों ने काम किया था, आज भी उसी तरह से अड़े। आज यहाँ पर जो सम्मेलन होगा इसमें बहुत से प्रस्ताव आएंगे, बहुत सी चीज़ें ऐसी तय होंगी, तो स्वाभाविक बात है कि आगे की जो रणनीति है वो यहाँ पर बनेगी। इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन का जब गठन हुआ था तो तब से लेकर मैं आज तक संगठन के साथ जुड़ा हुआ हूं और उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है, और उत्तर प्रदेश में वैश्य समाज के सभी घटकों को जोड़ते हुए उनको एक सूत्र में बनाने का काम, उनको उनके लिए कार्य करने का काम, उनके संघर्षों में साथ रहने का और उनकी उचित भागीदारी हो हर जगह, इस पर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। सुरेंद्र गुप्ता, सीनियर वर्किंग प्रेसिडेंट अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन। आज यहाँ पर हमारी 2 दिन की कार्य समिति की बैठक है, जो कि हम नॉर्मली 3 से 4 महीने के बाद करते हैं, डिफरेंट स्टेट्स में करते हैं। इसमें पूरे 3-4-5 महीने में क्या हुआ, जो भी हमारी प्लानिंग है, विज़न है, उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ, और इसमें पूरे हमारे 28 प्रांतों में हमारी बॉडी है और करीब 300 जिलों तक हमारी बॉडी पहुँची हुई है और 10-12 कंट्रीज़ में भी हमारे चैप्टर हैं। तो काफ़ी प्रांतों से और डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं। आज भी करीब 250 लोग के करीब यहाँ पूरे देश विदेश से इकट्ठे हुए हैं। मैं गौरव अग्रवाल, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखिए जी, जो IVF का प्रोग्राम है उनका संगठन इसी बात पर उद्देश्य के लिए है कि सारे वैश्य समाज को एकजुट करना और एक मंच पर लेके आना और समाज हित में, देश हित के लिए कार्य करना, ये मेन उद्देश्य है वैश्य समाज का। और जो गरीब वर्ग है, जो थोड़ा पिछड़ा है, उसको अपर लेवल पे लेके आना और मोदी जी को सफल बनाना। नवनीत गुप्ता, मेरठ से।
आज जो IVF के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के माध्यम से जो ये कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष के जितने वैश्य समाज के घटक हैं 380 घटक हमारे समाज में आते हैं उन सब लोगों को बुलाया गया है, उनकी कार्यकारिणी समिति बैठक रखी गई है। मैं सुनील गुप्ता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष IVF अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन, माननीय अशोक अग्रवाल जी के नेतृत्व में 27 प्रदेशों में और पूरे हिंदुस्तान में और बाहर भी करीब 8-10 मुल्कों के अंदर IVF कार्य कर रहा है। सुनीता गुप्ता, मैं लखनऊ से जिला अध्यक्ष हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे वैश्य समाज में हमारा व्यापारी वर्ग तो बहुत है, जितना भी टैक्स या आय आती है या जो भी समाज सेवा होती है हमारे वैश्य समाज के माध्यम से होती है, और मेरा कहना है ये संदेश शायद पूरे देश तक पहुँचना चाहिए कि हमारी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन में कटरा में बड़े पैमाने पर आयोजन हो रहा है जिसमें तमाम जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की है, और वैश्य समाज को किस तरीके से आगे व्यापार के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकार की क्या कुछ योजनाएं हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उन योजनाओं का कितना क्रियान्वयन किया जा रहा है, वैश्य समाज में आज इस महासम्मेलन को लेकर के चर्चा होगी। और चर्चा में क्या कुछ चीज़ें निकल करके आएंगी, कौन कौन से बिंदु रहेंगे, सबसे बड़ी बात है कि वैश्य समाज को किस तरीके से उत्थान की ओर बढ़ाया जा सकता है, एकजुटता साफ तौर पर सामने आ सकती है। तो आज हम बात करेंगे, वैश्य समाज के तमाम सारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो पदाधिकारी जो भली भांति इस टीम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक एक कार्यकर्ता से सबसे बात करूंगा, आप अपना सर नाम बताएं और किस तरीके से क्या कुछ कहना चाहेंगे। मैम, सबसे पहले नारी सशक्तिकरण की, जब महिला सशक्तिकरण की जब बात की जाती है तो सबसे पहले यहां पर भी देखिए वैश्य महासम्मेलन का आगाज, मैं अपनी शुरुआत कर रहा हूं, आगाज कर रहा हूं एक महिला से। मैम, आपका नाम बताएं, आप अपना और किस तरीके से आज इस सम्मेलन में आप शिरकत कर रहे हैं। मीरा मित्तल, और मथुरा से जिला अध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ, पूर्व पार्षद भारतीय जनता पार्टी से। ये तो आपने बता दिया अपना डेजिग्नेशन, अब संस्था को लेकर के किस तरीके से। देखिए, संस्था हमारी निरंतर कार्य कर रही है, निरंतर वैश्य समाज हमारा सबसे पहला कार्य तो ये है कि संगठित करने में लगा हुआ है। ये आप देख सकते हो कितनी दूर दूर से सब लोग यहाँ पर आए हैं, इसलिए आए हैं कि इसको मजबूत बनाने के लिए, ताकत देने के लिए, शक्ति देने के लिए। तो यहाँ पर भी देखिए महिला शक्ति देश की शक्ति बनकर के काम कर रही है लगातार। चाहे हमारे साथ देखिए लखनऊ के हमारे पुराने परिचित मिले हैं, सर आप अपना पूरा नाम बताएं और संस्था में किस तरीके से आपका योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं डॉक्टर अजय गुप्ता लखनऊ से हूँ, उत्तर प्रदेश की धरती से, और मैं राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव हूँ इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन का, और इस कार्यक्रम में मैं सबका स्वागत करने के लिए आप सबका भी स्वागत करता हूँ, पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूँ। और मिशन जो हमारा है, वैसे तो आपने खुद पढ़ रखा है हमारा पंचलाइन जो है, हम पूरे विश्व के वैश्य समुदाय को एकजुट कर रहे हैं। सर, जब बात देखिए सीटों को लेकर के हो रही है, लोकसभा चुनाव को लेकर के हो रही है, लेकिन एक तरफ वैश्य समाज लगातार एकजुटता दिखा रहा है, किस तरीके से आपकी क्या कुछ कार्य योजना है, जमीन पर कितना असर नजर आ रहा है। मैं लच्छू गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष यूथ विंग उत्तराखंड। हमारे अशोक अग्रवाल जी के नेतृत्व में IVF ने 367 घटक वैश्य समाज में जोड़े हुए हैं, जिन घटकों को कोई जानता नहीं था, माहौरी वैश्य हो गए, रस्तोगी और रोहतगी अलग अलग हुआ करते थे, आज IVF ने उन सभी वैश्य को इकट्ठा किया हुआ है। और सबसे जो सरकार अच्छा काम कर रही है माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो सबसे निवेदन भी कर रहे हैं हम लोग कि भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाएं। मेरा नाम CA हरीश अग्रवाल है, मैं CA इंस्टीट्यूट का नॉर्दर्न इंडिया का चेयरमैन रहा हूँ, अग्रवाल सम्मेलन का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ। अभी मैं इस संस्था से, इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन से, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन से पहले से जुड़ा हुआ हूँ, जब तक रामदास अग्रवाल जी उसके प्रेसिडेंट थे और उसके बाद इसके प्रेसिडेंट में, उस समय से मैं जुड़ा हुआ हूँ उनके साथ। बड़ा रूप यानी कि आकार लेता नजर आ रहा है और एक फल भी देता नजर आ रहा है। जब इसी वृक्ष की जब हम बात करते हैं, जब ये बड़े होते वृक्ष की, तो अहम योगदान है अशोक अग्रवाल जी का भी। UP की यूनिट को किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, तमाम सारी योजनाओं को जनता तक पहुँचा रहे हैं, अशोक जी हमारे साथ खुद हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है, किस तरीके से संस्था में आपका अहम योगदान है और कार्य योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन में। हम लोग जो है, जैसे रोजगार के क्षेत्र में इंडस्ट्री लगाते हैं, आम आदमी को रोजगार देने का काम हमारी संस्था करती है, संस्था भी उद्योग भी करते हैं हमारे, और राजनीतिक तौर पे तो हमारा सब जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ ही रहता है लगभग लगभग, अब की बार 400 बार।
चलिए अब की बार 400 पार की बात की अशोक जी ने, लेकिन अशोक जी एक बात बताइए, लगभग 18-20% तक आपका वैश्य समाज है वो एक सक्रिय राजनीति में एक तरीके से है, आगे और क्या कुछ कमियां लगती हैं और आपको लगता है कि हाँ ये बात अपनी बात सरकार तक पहुंचानी है? देखिए, सरकार तक व्यापारी अपनी बात पहुँचा रहा है और सरकार मान रही है, काफ़ी सुधार हुए हैं, GST हुआ जैसे, और बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं जो व्यापारियों के हित में है और जनता के हित में है। तो और भी लोग हैं, हम उनसे भी जरा बात करना चाहेंगे। सर आपकी बात। अभिमन्यु गुप्ता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य IVF। मैं बाबू रामदास अग्रवाल जी जो संस्थापक रहे हैं उनके साथ 2000 से जुड़ा हुआ हूँ और उनके सानिध्य में पूरे देश में वैश्य समाज को एकत्रित करने की जो भूमिका रामदास जी ने शुरू की थी उसका आज देश ही नहीं विश्व के अनेक देशों में इसका प्रतिफल दिखाई दे रहा है। सर मैं चाहूँगा कि आपका भी अहम योगदान रहता है, किस तरीके से आप अपना योगदान दे रहे हैं संस्था को। सर मुझे शिरीष गुप्ता कहते हैं, मैं बरेली से आया हुआ हूँ, UP से, IVF का कार्यकारिणी सदस्य हूँ, केंद्रीय कार्यकारिणी का। देखिए जो एक ही काम है हमारा, सरकार का भी संगठन का भी एक ही क्या है काम, कि हम समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुँचें। समाज के आखिरी व्यक्ति तक हम जितना पहुँचेंगे उतने हम इकट्ठा करेंगे। तो तमाम सारे लोगों ने किस तरीके से यहाँ पर बताया, कार्यकर्ता और पदाधिकारियों, जो आज अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और इसमें बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोग शिरकत कर रहे हैं। तमाम सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से हमने बात की जिन्होंने साफ तौर पर कहा, जब अंतिम पायदान पर, जब अंतिम लाइन में, अंतिम पंक्ति पर लग रहे व्यक्ति को जब सरकार की सुविधाओं का लाभ मिलेगा तभी इन योजनाओं का कहीं ना कहीं सही रूप में क्रियान्वयन हो पाएगा और यही संस्था का भी उद्देश्य है। तो अपने कैमरा सहयोगी अमित के साथ मैं अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन से कटरा से आलोक।